गेंद ताहिर के पास, ताहिर का थ्रू पास, शहबाज सीनियर के पास गेंद और गोल। और शहबाज सीनियर पाकिस्तान की तरफ से पहला गोल करने में कामयाब हो गए हैं और ये एक्शन रिप्ले पाकिस्तान की पसली हासिल कर देंगे। शहबाज जूनियर गेंद फेंका, थोड़ा सा गलत था गेंद, शहबाज सीने के बाद उनकी ट्राई और गेंद और के अंदर दूसरा गोल पाकिस्तान की तरफ से। इंडायरेक्ट शहबाज ने एक खिलाड़ी को टॉस करके गेंद गोल में फेंका और ये अभी अंपायर जो है उसको बता रहे हैं। ये देखिए रिप्ले, शहबाज के पास गेंद, ये शहबाज की फर्स्ट टाइम है और गेंद गोल के अंदर, एक बार फिर देखिए रिप्ले। बड़ा साफ है शहबाज के लिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। ये देखिए एक और बहुत क्लियर एंगल, ये शहबाज के पास आ गया था और सीधा नेट के अंदर। पाकिस्तान दो गोल, दोनों गोल कप्तान शहबाज के जरिए। सिफर आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया जाकिर भाई। शहबाज आप लोग पहला आप बहुत अच्छा खेले लेकिन उसके बाद टेम्पो थोड़ा सा स्लो हो गया और डिफेंस में दूसरे हाफ में काफी गलतियां हुई। आपकी बात सही है, दूसरे हाफ के शुरू में ही हमारी लेफ्ट साइड ने थोड़ी सी गलती की जिसकी वजह से वो गोल करने में कामयाब हो गए और हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वैसे अदरवाइज दूसरे हाफ के आखिर में फिर बॉल पे हमने कंट्रोल कर लिया था। शहबाज बड़ी देर बाद आपने खुद एक बहुत मुश्किल मैच में बड़े अच्छे दो गोल किए, तो कैसा लगा? नॉर्मली मैं गोल स्कोर कम ही करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है कि दोनों गोल मैंने किए, वरना मैं स्कीमिंग ही करता हूँ। आपके ख्याल में दोनों गोलों में से आपको ज्यादा अच्छा गोल कौन सा लगा? मेरे ख्याल में जो मैंने पहला गोल किया वो ज्यादा खूबसूरत था। शहबाज आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही, खासतौर पर कल के मैच के बाद जिसमें हॉलैंड के खिलाफ आप इतना अच्छा नहीं खेले? हॉलैंड के खिलाफ मैं समझता हूँ जो वेदर है वो सबसे बड़ा फैक्टर था, हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, हम अच्छा खेल पेश नहीं करते क्योंकि हमारे हाथ जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे और हॉलैंड जो है वो यूज टू है इस वेदर का, इसलिए हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब आपका मैच जो है वो जर्मनी के खिलाफ बाकी रह गया है, तो आप कैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं? जर्मनी जो है वो डे बाई डे बड़ा इम्प्रूव कर रहा है, इंतहाई अच्छा खेलता जा रहा है और प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन में एक दिलचस्प मुकाबला होगा। नाज़रीन, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की इस फतह के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज और सब खैर।